ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जीवन मुक्त इस संसार में कौन है? देखिए, एक चित्त संसारिक होता है जो सामान्यतः संसारी मनुष्यों का है, जो संसार से संबंधित वस्तुओं का चिंतन करता है। एक चित्त आध्यात्मिक होता है जो योग, अध्यात्म और संन्यास के द्वारा परमात्मा को खोजता है, जो वैराग्य, तपस्या, भक्ति और योग के माध्यम से परम तत्व परमात्मा को खोजता है। इस प्रकार से इस संसार में दो ही मार्ग हैं, एक श्रेय, दूसरा प्रेय, एक बंधन का, दूसरा मोक्ष का। एक भौतिकतावाद और संसारिकता का मार्ग, तो दूसरा अध्यात्म और निवृत्ति का मार्ग। ऐसे खेलो तो जब तक चित्त जिंदा है तब तक चित्त पर संसार या अध्यात्म का स्पंदन होना स्वाभाविक है। लेकिन योगियों ने योग के द्वारा समाधि में अपने चित्त को खत्म कर दिया, अब अध्यात्म भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया। अब त्याग, वैराग्य, साधना भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गई, क्योंकि स्पंदन करने वाली प्रसक्ति ही खत्म हो गई। इस संसार का असर, प्रभाव, पीड़ा या वेदना या दुख के रूप में जहाँ पड़ता था वो चित्त था, वो वृत्तियाँ थी, वो मन था। और जब चित्त ही लय हो गया, खत्म हो गया, तो अंदर अवशेष शून्य या आकाश या रिक्त सांसें रह गई, एक खालीपन, एक सन्नाटा, जहाँ ना संसार और संसार का कोई तरंग या चिंतन है, न ध्यान समाधि योग जन्य चिंतन है, चिंतनों से रहित। इसी अवस्था को वेदांत दर्शन में निर्विकल्प समाधि कहते हैं, कि निर्विकल्प समाधि का फल है मोक्ष, परम मुक्ति। जो योगी योग के अभ्यास से, निरंतर मानसिक ध्यान और समाधि के अभ्यास से इस अवस्था को प्राप्त हो गया, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। वो योगी, वो साधक या वो संत जीवन मुक्त है। तो संसार पाशु प्रवृत्तियों से ग्रसित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, अनंत तृष्णा, और इन सबको जन्म देने वाला कारण है अविद्या, अज्ञान, मोह। और ज्ञान या विद्या है अध्यात्म, योग, जो पूर्ण मुक्ति और निवृत्ति देती है योग माया, योग विद्या से अविद्या का नाश करके। जो मुक्त हो गया उसे जीवन मुक्त कहते हैं। उसे जीवन या संसार या भौतिक वस्तु से कोई लगाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं। परम मुक्त, परम चेतन, परमहंस हो गया। अब वही होगा जो अध्यात्म विद्या और योग साधना से अपने चित्त का निरोध और विलय कर ले। जिन महात्माओं ने, योगियों ने, आचार्यों ने, जैसे भगवान आदि शंकराचार्य, योग से अपने चित्त का निरोध विलय किया,
वो शांत अंतःकरण से परब्रह्म को प्राप्त हो गई। साधना के आरंभ में तो इंद्रियों का संयम, मन का दमन, एकाग्रता, धारणा, ध्यान, समाधि, ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह, योग के अंग प्रत्यंगों का पालन करना ही होता है। लेकिन आगे साधना उन्नत होने पर सारा योग ध्यान में बदल जाता है, बस रिक्त श्वासें रह जाती हैं, रिक्त श्वासें। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार विलय हो जाता है और आगे ये शून्य हो जाते हैं और मिट जाते हैं। और उसी अवस्था में कोई जीवन मुक्त या परम मुक्त होता है। और यह मुक्ति जीवन के जीते हुए, यह मुक्ति जीवन को जीते हुए ही योगी को प्राप्त होती है, जीवन मुक्ति। तो कोई जीवन मुक्त वही होता है जो योगी होता है, योग साधना करता है, वही परमहंस होता है। ओम श्री परमात्मा ने नमः। इसके लिए जप ध्यान करना होगा, निरंतर ध्यान के द्वारा ये संभव है।